वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं व्हीकल्स 2.0 और मेरे भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम कौन सी दो पॉपुलर बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक साइड है अपनी BMW के S1000 RR एंड दूसरी साइड है दी फायरब्लेड होंडा CBR 1000 RR। फायरब्लेड एक ऐसी बाइक है जिसके नाम में ही आग है। खैर, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वही बात कहूंगा जो कि हर यूट्यूबर अपने चैनल पे कहता है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। तो अपनी S1000 RR आती है 999cc की लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ। ये प्रोड्यूस करती है लगभग 212 BHP की पावर एंड 130 Nm सब टॉर्क। एंड अपने फायर ब्लेड में भी आपको सेम 999cc की लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलती है। इसकी पावर थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू S1000 RR। ये वाली प्रोड्यूस करती है 215 BHP के साथ 113 Nm सब टॉर्क। पावर के मामले में ये वाला पॉइंट जाता है CBR 1000 RR को। क्या बोला तूने? तो चलो अब देखते हैं दोनों ही बाइक्स का एक्सेलरेशन कि दोनों ही बाइक्स में से 0-100 की टॉप स्पीड कौन सी बाइक कितने सेकंड्स में कवर करती है। अपनी S1000 RR को 0-100 की टॉप स्पीड कवर करने में ओनली 2.96 सेकंड्स का टाइम लगता है। अपनी फायर ब्लेड यही टॉप स्पीड ओनली 3 सेकंड्स में कवर करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर मेरे भाई लोग, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपनी फायर ब्लेड पहले गियर में आराम से 181 km/h की टॉप स्पीड को भी टच कर सकती है। तो अपनी S1000 RR की टॉप स्पीड है 309 km/h और अपनी फायर ब्लेड तो आराम से 341 km/h की टॉप स्पीड भी अचीव कर सकती है। तो यार, जहाँ तक बात रही दोनों ही बाइक्स के लुक्स की, मुझे तो दोनों ही बाइक्स पसंद है, पर हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इन दोनों में से आपकी कौन सी बाइक फेवरेट है। तो दोनों ही बाइक्स में आपको फुली डिजिटल TFT मीटर कंसोल के साथ फीचर्स भी सेम ही मिलते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हील कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड और भी कई सारे फीचर्स। तो चलो फाइनली बात कर ही लेते हैं दोनों ही बाइक्स के प्राइस के बारे में। अपनी S1000 RR का स्टैंडर्ड मॉडल आपको 20 लाख के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। बाकी S1000 RR के प्रो मॉडल की प्राइस है 22 लाख 50 हजार एंड वो भी एक शोरूम। CBR 1000 RR आपको 30 लाख 72 हजार के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी। इस वाली का प्रो मॉडल आपको 24 लाख 50 हजार के प्राइस पर मिल जाएगा। बाकी इस कंपैरिजन की विनर होती है CBR 1000 RR। और यार, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता आपको किसी और नए वीडियो में।